हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में। आपका फ्रेंड्स बिहार पुलिस भर्ती 2019 का, देखिए फ्रेंड्स कांस्टेबल का 12 और 20 जनवरी को एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। फ्रेंड्स प्रवेश पत्र और एडमिट कार्ड कहां से आपको जारी हो चुका है और आपको कहां से डाउनलोड करना है फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा ये पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बिहार के कांस्टेबल के पेपर चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट जो है www.csbc.vih.nic.in में जाइएगा तो आपको मैं बता दूंगा वहाँ से आपको किस प्रकार से इसको डाउनलोड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स 11,880 पदों पर भर्ती निकाली गई थी जिसका जो है ना डेट जारी कर दिया गया है 02/2019 जो क्रम है सी ए नंबर है विज्ञापन संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स 12 जनवरी को आपका रविवार पड़ रहा है और 20 जनवरी को आपको सोमवार पड़ रहा है, ठीक है। प्रथम पाली देख सकते हो फ्रेंड्स 10 बजे से 12 बजे तक होगा, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है और द्वितीय पाली 14 बजे से 16 बजे तक अर्थात 2 बजे से 4 बजे तक, इसमें आपको 1 बजे आपका पहुंचने का रिपोर्टिंग टाइम है। सेम वही प्रोसेस दोनों पालियों में होगा, ठीक है। ई प्रवेश पत्र आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वेबसाइट में देखिए फ्रेंड्स 30/12/2019 से उपलब्ध रहेंगे। कब रहेंगे फ्रेंड्स 30/12/2019 से उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीदवार अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें। स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर अपने साथ आवेदन पत्र के समरूप 2 फोटोग्राफ 2 माह के भीतर पर का खींचा हुआ अर्थात रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना होगा। फ्रेंड्स अगर अभ्यर्थी के कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो वे दिनांक 6 से 7 को पूर्वाहन 10 बजे से संध्या 5 बजे तक जो है ना केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट पटना 800-800-001 तो स्थित कार्यालय में से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यहां से आपको जो प्रवेश पत्र आपको मिल सकता है डुप्लीकेट, ठीक है ना। ओएमआर शिप का प्रतिरूप देखिए फ्रेंड्स अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिषद की वेबसाइट पर दिया जा रहा है। तो प्राय पाया गया है कि कुछ अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में ओएमआर आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचना यथा रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका नंबर अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टित दिए गए आवश्यक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यथा रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका नंबर अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों के अनुसार नहीं की जाती है जिस कारण अभ्यर्थी रद्द हो जाती है उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा बात दे रखा है आपको, उपयुक्त त्रुटियों से बचाव हेतु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि लिखित परीक्षा के पूर्व वेबसाइट पर दिए गए लिखित परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देशों का अध्ययन कर लें एवं उत्तर पुस्तिका ओएमआर शीट के प्रारूप स्पेसिमेन कॉपी पर पूर्वाभास कर लें ताकि उपरोक्त त्रुटियों से बचाव हो सके, आपकी उत्तर पुस्तिका अमान्य ना हो। तो फ्रेंड्स ये रही पूरी की पूरी डिटेल, देख सकते हो यहाँ पर जो स्पेसिमेन है ये जो है आपका ओएमआर शीट, इसको देख सकते हो आप किस प्रकार से इसको पढ़ लीजिएगा अनुदेशों को। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और मैं अब से डेली कांस्टेबल के लिए डेली क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।